हे एवरीवन, आज हम लोग एक नए लिंक्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2134। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम सेट टू ग्रुप ऑल वंस टुगेदर। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में जीरो और वन है और हमें क्या करना है, सारे वंस को एक पास ले आना है, ठीक है। और हम कैसे ले आ सकते हैं, अगर सारे वंस एक पास नहीं है तो जीरो के साथ हम स्वैप करके ले आ सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो अगर हम क्या करें, इस इन दोनों को स्वैप कर दे तो क्या हो जाएगा, मेरा जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो। अब ये ध्यान से देखें तो मेरा वन 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 सारे एक पास आ गए, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, कितने स्वैपिंग की जरूरत पड़ी, हमें एक स्वैपिंग की जरूरत पड़ी, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि वन वन जीरो जीरो वन, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, ये और ये मान लेंगे कि ये पास में एज ए सर्कुलर एरे दिया है क्वेश्चन में, सर्कुलर एरे है, ठीक है। तो इसको हम पास लें तो इसमें हमें स्वैपिंग की जरूरत कितनी पड़ेगी, जीरो पड़ेगी, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम में क्या करना है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू मेक ऑल वंस टुगेदर, ठीक। आप एक बात याद रखिए, जब भी आपको कभी भी सर्कुलर एरे का प्रॉब्लम आए, सर्कुलर एरे का जब भी प्रॉब्लम आए, आप क्या कीजिए, इस वाले एरे को एक इसके साथ अटैच कर दीजिए, मतलब दो ए को लेकर अटैच कर दीजिए, मतलब ए प्लस वन को लेकर अटैच कर दीजिए, यानी कि उसकी साइज कितनी हो जाएगी, टू इंटू एन हो जाएगी। जैसे हमारे पास मान लीजिए यही एरे है, ठीक है। तो अगर हमें सब भी सर्कुलर एरे का प्रॉब्लम आता है तो हम इसको क्या कर लेंगे, जीरो वन जीरो वन वन जीरो जीरो, ये हमारे पास था एरे, इसी को हम जस्ट लाके इस पर चिपका देंगे, यानी क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो वन वन जीरो जीरो, ठीक। तो अब हमारी एरे ऐसा ही जूम करेंगे, एक नया एरे बना लेंगे जिसकी, अब ये मेरा नया एरे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देख, क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें सारे वंस को एक पास लाना है और जीरो को हटा देना है। जैसे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एरे में हम सबसे पहले नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ वंस हमारे पास तीन है, तो यानी कि हमें क्या करना है, तीन वंस को एक पास ले आना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना, एक जितने हमारे पास नंबर ऑफ वंस है तीन, हमें वही पास ले आना है तीनों को, तो आप क्या कीजिए, उतने साइज की एक विंडो बना लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन है तो हम एक तीन साइज की विंडो बना लेते हैं, ठीक है, तीन साइज की विंडो बना लेते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं हमारे उस विंडो में वन 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 रहेगा, ठीक है। अगर वन वन नहीं रहेगा तो जितने भी जीरो हैं, इन जीरो को आप होल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब इन होल्स को मेरे को रिमूव करना है, उनको लाके फिल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीन हमारे पास वंस है तो हम तीन विंडो की साइज को ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम इधर मूव कराते जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें दो जीरो है, यानी हम बोल सकते हैं दो होल्स है और उन दोनों होल्स को मेरे को हटाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे को दो स्वैप की रिक्वायर्ड कम से कम पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों को मेरे को हटाना है तो मेरे को दो स्वैप की रिक्वायर्ड पड़ेगी। हम मिनिमम को ट्रैक करते चलेंगे, ठीक। अभी जैसे मान लीजिए मिनिमम में कोई बहुत बड़ी वैल्यू रख दिए थे, लेकिन जब इस विंडो को देखा तो मुझे कितने इसमें जीरो नजर आए, दो, मतलब इन दो जीरो को हटाना है, ठीक, तब जाके ये वन वन हो जाएगा। अब विंडो को आप एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। अब विंडो को आप ऐसे ले आइए तो क्या आपका मिलेगा, वन जीरो वन, ठीक है। इसमें आपके पास कितने होल्स हैं, एक होल्स है, उस होल्स को हटाना है, यानी कितने स्वैपिंग जरूरत पड़ेगी इस होल्स को हटाने के लिए, वन, ठीक। सिमिलरली अब विंडो को आप ऐसे ले आइए, अब भी कितनी जरूरत पड़ेगी आपको, मतलब मिनिमम को आप लेते जाइए, मतलब कितना हो जाएगा, मिनिमम इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ ये वाले वेरिएबल में जो मिनिमम है और इस वाले विंडो में कितने जीरो है, ठीक है। हम ये ट्रैक करते हुए चलेंगे, तो इसमें मेरे को कितने जीरो हैं, वन है, ठीक है। तो इसका मिनिमम लेते जाऊंगा और विंडो की साइज को आप इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक। ऐसे करते जब मिनिमम को ट्रैक करते हैं तो यही जितने हमारे मिनिमम होगा यही मेरा आंसर होगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि हमें एक विंडो साइज बना लेनी है उतने साइज की जितने हमारे पास वंस है, ठीक। और उस विंडो को मैं घुमाते हुए ले जाऊंगा और जितने भी होल्स आते जाएंगे उनको मैं कोशिश करूंगा कि इतने मेरे को रिमूव करने हैं और उसको मैं ट्रैक करते हुए चलूंगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, यही मिनिमम मेरा आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग कोडिंग पार्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमने जैसे बताया था ये मीन स्वैप नाम का हमारे पास फंक्शन जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, फाइंड कर दिया कि उसकी लेंथ कितनी है एरे की, ठीक है। यहाँ पे हमने इंट एम वन इक्वल टू जीरो लिखा, मतलब मैं इसमें काउंट करूंगा कि मेरे नम्स नाम के एरे में कितने वंस है। तो हमने लूप लगाया जीरो से लेके एन तक और चेक किया, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू वन, वन को प्लस प्लस कर दिया, तो इससे भी पता चल गया कि इस पूरे में मेरे पास कितने वन है, मतलब कि मेरी विंडो उतनी ही साइज की बनेगी, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बताया था जब भी सर्कुलर एरे प्रॉब्लम रहे आप इसको अटैच कर दिया करें, दो ए को मिला दीजिए, मतलब उसकी साइज 2m हो जाएगी और फिर क्या है उसी को इस एरे को फिल कर रहे हैं, मतलब वैल्यू से। तो उसने क्या किया, ए ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई मॉडुलो 1, आई मॉडुलो 1 में कितनी वैल्यू आएगी, जीरो से लेके n-1 तक आएगी, ठीक है। तो
तो ये पूरा फील हो जाएगा मेरे पास एरे। मान लीजिए कि इस ए को दो ए को आप मिला दिए हैं और यही वाला ए आपका बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, इंट ऑफ आंसर नाम का, जो कि हमें बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, जैसे ये हमारे पास विंडो है, इस विंडो में मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ वंस मान लीजिए हमारे पास 2 है, ठीक है, और टोटल वंस मेरे पास 3 है, तो हम पता कर लें कितने होल्स हैं मेरे पास इसमें रहे होंगे, यानी कि 3 - 2, क्योंकि 3 तो टोटल 1 है और इस विंडो में 2 1 है, यानी कितने होल्स होंगे 1, और यही तो मुझे रिमूव करना था होल से, तो मेरे को स्वैप करना था, होल्स हटाना था, और यही मेरा आंसर जाएगा जो बचेगा, यानी कि तो वही हमने किया, ये जो आंसर ये बताएगा कि जो भी विंडो में मूव करूंगा उस विंडो में अब तक कितना मैक्सिमम 1 मिला है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया करंट 1, मतलब कि इसमें करंट में, करंट विंडो में कितने 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने आई लगाया 0 से लेकर 2n तक लगाया, यहाँ पे मैं क्या किया इफ आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अभी क्या है कि विंडो की साइज जब छोटी होगी तो ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है, विंडो की साइज जब 1 से बड़ी होगी तब ये चलेगा। जैसे मान लीजिए विंडो की साइज अभी क्या है कि ये नहीं चलेगा, इफ ए ऑफ आई इक्वल टू 1 करंट 1++, ठीक है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए अभी स्टार्टिंग क्या है, विंडो की साइज मेरी छोटी होगी, ठीक है, तो ये 1 को काउंट करते हुए जाएगा, ठीक, करंट 1++, जब ये i इक्वल टू 1 ये तब चलेगा जब विंडो की साइज मेरी कितनी होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास विंडो की साइज है 3, ठीक है, ये जब बराबर हो जाएगा तो देखेगा क्या, इफ यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो यानी कि अब इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आएगा इस पे देखेगा क्या, ये इसके जो पीछे वाला है, यानी कि ये वाला जो नंबर है, क्योंकि यहां तक तो मुझे पता है, ये हमें दे देगा करंट 1++ की इस इतने तक के विंडो में कितने 1 थे, ठीक है। जब विंडो को मैं एक आगे शिफ्ट करा तो ये मैं चेक कर लूंगा कि जो मैं एक एलिमेंट को मैं पीछे छोड़ रहा हूं वो 1 था क्या, अगर वो 1 होगा तो उसको मैं माइनस कर दूंगा और फिर देखूंगा कि ये जो एलिमेंट मैंने ऐड किया है करंट, ये अगर 1 है तो प्लस प्लस कर दूंगा, करंट 1 बताएगा मेरे इस समय विंडो में कितने 1 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर करंट 1, मतलब कि मैं करंट 1 की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराते जा रहा हूँ जो भी विंडो है, और लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा, जो टोटल नंबर ऑफ वंस माइनस करंट 1 इन विंडो, ठीक है। तो ये हमें बता देगा होल्स, ये हमें बता देगा और होल्स मेरे आंसर होंगे।